you don't have to apply the formulas, long formulas, and it will give you 4 easy marks. अगर मेरे पास 3 balls है, इसमें से एक ball को मैं u velocity से ऊपर फेंकता हूँ और t1 time उसे लगता है ऊपर से नीचे आने के लिए. दूसरे ball को मैं u velocity से सीधा नीचे फेंकता हूँ, इसको t2 time लगता है नीचे तक पहुँचने के लिए. और अगर मैं एक third ball को सेम हाइट से सिर्फ ड्रॉप कर देता हूँ, जिसको टी टाइम लग रहा है नीचे तक पहुँचने के लिए, सो टी टी वन और टी टू के बीच में क्या रिलेशन होगा? यस, ब्रिलियंट क्वेश्चन. अगर इस क्वेश्चन को हम बुक के मैथ से सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 12 लाइंस. लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं. जस्ट इफ टी वन एंड टी टू आर द टाइम फॉर द बॉल्स टू गो अप एंड टू डाउन एंड टी इज द टाइम taken by the ball to reach the ground when it is dropped from the height h. The simple formula is t is equal to root of t1 into t2. यही question JEE में पूछा गया था. उसमें t1 was given as 9 second and t2 was given as 4 second and they asked the t. And answer was t is equal to root of 9 into 4, that is 36, and root of 36 is 6. So answer was only 6 second. You will get the 4 marks in only 50 to 25 seconds. सेम जो काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक आर्क है, आर्क ए बी, और वो एंगल एट द सेंटर है थीटा. तो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. नो नीड टू गो फॉर लेंथ एंड ऑल दिस थिंग्स. यू कैन अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r sine of theta by 2, and a distance is equal to r into theta. Remember, theta should be only in radians. Agar aapko ratio chahiye, to ratio will be displacement upon distance is equal to 2r sine theta by 2 upon r into theta. See, R and R will get cancelled and we can take 2 downwards. So it will be sine theta by 2 upon theta by 2. That is the ratio of displacement to distance. Just keep the value of theta and you will get everything. अगर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे और बहुत सारे वीडियोज आपके लिए बना सकें. और अगर आपको और कोई चैप्टर्स के लिए डिफिकल्टी है तो प्लीज राइट टू अस. वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर फीडबैक.